न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्वाण। यूक्रेन पर हमले का 36वां दिन, यूएस बोला पुतिन को गुमराह कर रहे सलाहकार। यूक्रेन का दावा, कीव और चेर्निहिव पर रूसी हमले जारी। रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरा, दो दिन के दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने जताई नाराजगी। विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगी ब्रिटेन की विदेश सचिव। पाकिस्तान में सियासी घमासान, पाक नेशनल असेंबली में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। विपक्ष ने इस्लामाबाद में मीटिंग कर बनाई रणनीति। यूक्रेन को चाहिए भारत का समर्थन, यूक्रेनी मंत्री बोले रूस से संबंधों का सहारा ले इंडिया। पुतिन को जंग रोकने के लिए मनाए पीएम मोदी। कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू, नेताओं के साथ राहुल गांधी ने भी केंद्र के खिलाफ नारे लगाए। जेब पर तेल का बोझ बढ़ना जारी, 10 दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, चुनाव के बाद कुल 6.40 रुपए की बढ़ोतरी। शेयर बाजार अपडेट, सेंसेक्स 140 पॉइंट की बढ़त के साथ 58,824 पर, निफ्टी 17,500 के ऊपर, ऑटो और बैंक के शेयर्स में तेजी जारी। आज एलएसजी और सीएसके की टक्कर, पहली बार भिड़ेंगी लखनऊ और चेन्नई, जिसका टॉप ऑर्डर चला, बाजी उसके हाथ लगने की उम्मीद। पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगी आर्थिक सहायता, योगी सरकार ने लिया फैसला। पंचायत कल्याण कोष का गठन कर दिया जाएगा पात्रों को लाभ। मुख्तार अंसारी के नाम की धौंस देकर मारा पीटा, वाराणसी में गैरेज संचालक सहित 12 के खिलाफ मुकदमा, पुलिस ने शुरू की जांच। कानपुर में गोली लगने से युवक घायल, बीजेपी विधायक के काफिले से फायरिंग का आरोप, एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी की जांच में जुटी पुलिस। महंगाई पर बसपा प्रमुख मायावती ने उठाए सवाल, यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, इसका असर गरीब मध्यम पर पड़ रहा। जेल के भेदी की तलाश शुरू, बांदा जेल से मुख्तार की पेशी की सूचना लीक करने वाले का पता लगाने पहुंचे डीआईजी, जेल कर्मियों की खंगाली जा रही सीडीआर। रीवा में शिवराज बोले तोड़ दो गुंडों बदमाशों को, रेपिस्ट महम की घटना पर सीएम ने कहा कलेक्टर एसपी कहां है, ये बुलडोजर कब काम आएंगे, जमींदोज करो इनको। हाईवे पर आज रात से टोल में उछाल, टोल टैक्स में 10 से 50% तक बढ़ोतरी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मुफ्त सफर भी खत्म। यूपी में 1,000 करोड़ से बनेंगे पिंक टॉयलेट, भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किया था वादा, 7 दिनों में मांगा गया बनवाने का प्रस्ताव। ओम प्रकाश राजभर चुनाव में मिली हार पर बोले फ्री राशन में फंसी जनता को शिक्षा रोजगार के बारे में हम समझा नहीं पाए। प्रियंका गांधी को हार की समीक्षा रिपोर्ट का इंतजार, 8 राष्ट्रीय सचिवों को सौंपना है हार का आंकलन, कई विधानसभाओं की रिपोर्ट अभी तक अधूरी। शाहजहांपुर में आज एक साथ आएंगे योगी के 3 मंत्री, पूरी रात स्वागत की तैयारियां करने में लगे रहे भाजपा नेता और कार्यकर्ता, सभी सीटों पर मिली है जीत। कानपुर देहात में पहले दोस्ती फिर की ठगी, सोशल मीडिया के जरिए सिपाही की हुई युवती से दोस्ती, 26,500 रुपए लिए, वापस मांगने पर गाली गलौज की। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।